एसपी के आवास पर छापा, स्पेशल विजिलेंस यूनिट की ताबड़तोड़ कार्रवाई, अकूत संपत्ति, काली कमाई का कुबेर। आय से अधिक संपत्ति अब पूर्णिया के एसपी दयाशंकर पर भारी पड़ती जा रही है। जिले के पुलिस कप्तान खुद कानून के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। बिहार सरकार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट उनके 8 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसके अलावा पूर्णिया में एसपी के रीडर सावन और सदर थाने के एसएचओ संजय सिंह के आवास पर भी छापा चल रहा है। एसपी दयाशंकर के पूर्णिया और पटना के ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। आरोप है कि उनके पास आय से 65% अधिक संपत्ति है। सुबह 7 बजे से ही एसपी आवास पर एसवीयू की टीम पहुंच गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि उनके आवास से आय से अधिक करीब 72 लाख की संपत्ति मिली है। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है विशेष निगरानी इकाई में पटना में। उसी संदर्भ में इनके घर में तलाशी चल रही थी और जितनी जगह चल रही है, तो इससे ज्यादा अपडेट अभी नहीं दे पाएंगे। से क्या बरामद हुई है अभी पूरा रिकवरी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि पूरी तलाशी अभी पूर्णिया में। सर कितने जगह छापामारी हुई है सर? आसपास कुछ गहना से भी बरामद हुई है? अब ये पूरा अपडेट आपको बाद में प्रेस रिलीज दे देंगे। कुछ अभी अभी पूरी पूरी बात नहीं बता पाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी में 2 दर्जन से अधिक विजिलेंस के अधिकारी भी शामिल हैं। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, यहां तक कि एसपी के आवास पर नोट गिनने की मशीन तक मंगाई गई है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है। न्यूज़ लाइफ डेस्क पूर्णिया।